तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे हॉलीवुड की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक स्टोरी लाइन वाली फिल्म के बारे में, उसकी कहानी के बारे में। उसको देखेंगे उसको कि हिंदी में कि उसकी कहानी क्या थी। और फ्रेंड्स, हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं 2006 की मूवी बैबल के बारे में। बैबल की कहानी बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें दुनिया के 5 अलग अलग पार्ट्स में रह रहे फैमिलीज को की कहानी को दिखाया गया है। और ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से वो पांचों फैमिली दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हुए फिजिकली कुछ कांटेक्ट में है, कुछ नहीं भी है, लेकिन उनकी सारी स्टोरीज जो हैं एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लिंक करती है। और उनकी कहानी को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, बैबल 2006 में आई थी और इसको IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है। इसके स्टार कास्ट में है ब्रैड पिट और केट ब्लैंचेट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दुनिया के अलग अलग पार्ट्स के 5 फैमिली की कहानी को दिखाया गया है। उसमें से एक फैमिली है जो मोरक्को में रह रही है, भेड़ बकरियों को पालने का उनका काम होता है। उनकी कहानी को मोरक्को की लोकल लैंग्वेज में दिखाया गया है। एक और टूरिस्ट गाइड है जो मोरक्को के लोकल हैं, उनकी कहानी को भी ज़्यादातर पार्ट्स मोरक्को की लैंग्वेज में दिखाया गया है। और उसके अलावा US के एक कपल जो मोरक्को में ही हॉलीडे कर रहे हैं, वैकेशन पे हैं, उनकी कहानी को दिखाया गया है। उनकी स्टोरी को इंग्लिश में दिखाया गया है। उन्हीं कपल के बच्चे जो पेरेंट्स के एब्सेंस में US में हैं और अपनी मैक्सिकन नैनी के केयर में है, तो बच्चों के पार्ट को इंग्लिश में दिखाया गया। और नैनी जो कि मैक्सिकन है, तो उनकी फैमिली से भी इंटरलिंक करके कहानी को दिखाया गया। मैक्सिकन पार्ट मैक्सिकन लैंग्वेज में दिखाया गया। और एक और कहानी इसमें दिखाई गई है, एक जापानीज लड़की और उसके फादर की, तो वो जापानीज लड़की और उसके फादर की कहानी को जापानीज लैंग्वेज में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इंग्लिश के अलावा इतनी सारी लैंग्वेजेस और हैं, तो आपको इसे सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप फिल्म की स्टोरी को पूरी तरह से समझ पाएंगे और तभी आप इसे इंजॉय भी कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बैबल की कहानी क्या है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 5 फैमिलीज जो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में रह रही हैं, उनकी कहानी को इंटरलिंक्ड करके बताया गया है, तो इस फिल्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो दिखाया जाता है पहले पार्ट में कि आउटलाइन सारी 5 फैमिलीज की क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, उनके ऊपर किस तरह की मुसीबतें होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, या कैसे वो प्रॉब्लम्स आई होती हैं, उस पार्ट को दिखाया गया है, उस पार्ट का आउटलाइन किया गया है। बीच वाले पार्ट में हमें फिल्म थोड़ी फ्लैशबैक में जाके वहाँ से शुरू होती है और उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे उन सब पर वो प्रॉब्लम्स आई या फिर क्या उन फैमिलीज के सर्कमस्टांसेस हैं, ये सब दिखाया गया है। और लास्ट के पार्ट में ये दिखाया गया है कि इन प्रॉब्लम्स का उनके ऊपर क्या कंसिक्वेंस होता है, कैसे वो लोग इस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, कैसे आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, ये सब लास्ट के पार्ट में दिखाया गया। और इस मूवी को इस तरह से दिखाया गया है कि 5 फैमिलीज की, पहले एक फैमिली का एक सीन दिखाते हैं, फिर दूसरी फैमिली का एक सीन छोटा सा आता है, फिर तीसरी का, फिर फोर्थ फैमिली का, फिर फिफ्थ फैमिली का, और फिर छोटे छोटे सीन में उनकी छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, और फिर वापस से फर्स्ट फैमिली का सीन दिखाया गया। और इस तरह से रोटेशन चलता रहता है, सारी फैमिलीज़ का एक 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 सीन कुछ मिनट्स का दिखाया गया, और इस तरह से स्टोरी चलती है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि आउटलाइन में क्या दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, जब मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं मोरक्को के डेजर्ट का एक सीन, और उस डेजर्ट के एक गाँव में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली का काम होता है भेड़ों को बकरियों को पालना, क्योंकि इन जानवरों पर जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं। उन जंगली जानवरों से अपने जानवरों को बचाने के लिए उस परिवार के जो फादर होते हैं, वो एक दूसरे लोकल आदमी जिनका नाम इब्राहिम होता है, उससे एक राइफल खरीदते हैं। और उसके बाद उनके 2 बेटे होते हैं, हसन बड़े बेटे का नाम होता है और यूसुफ छोटे बेटे का नाम होता है। वो दोनों भाई उस राइफल को लेकर अपने जानवरों को चराने निकल जाते हैं पहाड़ों में। और पहाड़ों में वो दोनों भाई खेल रहे होते हैं, खेल खेल में निशाना लगाते हैं, और पहाड़ों से वो लोग देखते हैं कि नीचे सड़क से एक टूरिस्ट बस आ रही है, और टूरिस्ट बस के ऊपर वो लोग निशाना लगाते हैं। तो कुछ सेकंड तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद, गोली चलने के कुछ सेकंड के बाद, वो बस टूरिस्ट बस रुक जाती है। और ये देख के दोनों भाई समझ जाते हैं कि उनके हाथों से कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया है, और ये सब देख कर डर के वो दोनों भाई वहाँ से भाग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन जो आता है, उस US के एक घर में 2 छोटे बच्चे हैं, एक भाई है जिसका नाम माइक है और एक लड़की है जिसका नाम डेबी है। वो दोनों अपनी नैनी के केयर में हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स घर से कहीं दूर हैं, और उस नैनी को जिनका नाम अमेलिया रहता है और वो मैक्सिको से रहती हैं, उनको एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे हमें पता चलता है कि वो उस नैनी के बॉस का फ़ोन है, यानी कि वो दोनों बच्चे जो थे माइक और डेबी, उनके फादर का फ़ोन आता है। और फ़ोन में फादर का फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें ये पता लगता है उनकी बातों से कि उन बच्चों की जो मदर है, उनके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया है,
और बच्चे इतने छोटे रहते हैं कि उन्हें अभी कुछ भी बताया नहीं गया है, और उनकी बातों से ये भी पता चलता है, फादर नैनी को बोलते हैं कि बच्चों को देखने के लिए अब कोई ना कोई अरेंज हो जाएगा, तो वो कल वहाँ से जा सकती हैं। इसके बाद ये हमें पता नहीं लगता है कि क्यों उस नैनी को, उस बच्चों को अचानक से छोड़ के जाना है, वो भी तब जब बच्चों के पेरेंट्स इतना दूर हॉलीडे कर रहे हैं या कहीं दूर हैं घर से। नैनी को क्यों जाना है ये सब कुछ भी क्लियर नहीं होता, लेकिन बच्चों और नैनी की बात से एक बात ज़रूर पता लग जाती है कि उन बच्चों का एक और भाई था जो कि इन्फेंसी में, बहुत छोटी एज में उसकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ तक फिल्म में ज़्यादातर मुसीबतों के आउटलाइन हमें दिखा दी जाती है, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये फैमिलीज पे ये प्रॉब्लम्स आई या फिर क्या सरकमस्टांसेस हैं। तो इसे शुरू करने के लिए फिल्म थोड़े से फ्लैशबैक में चली जाती है, और इस फ्लैशबैक के पहले सीन में हम देखते हैं कि वही जो नैनी अमेलिया थी, मैक्सिकन नैनी, वो उन बच्चों के साथ घर में है, और उनको फिर से फादर का फ़ोन आता है और वो अपने बॉस यानी कि बच्चों के फादर से नैनी बोलती हैं कि नैनी के बेटे की शादी है मैक्सिको में, तो वो एक दिन के लिए वहाँ जाना चाहती हैं, लेकिन फादर उन्हें मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग इतना दूर हैं, किसी को अरेंज नहीं कर सकते, आप अभी तो नहीं जा सकते हो। तो उसके बाद नैनी बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उन बच्चों की, माइक और डेबी की, एक दिन के लिए केयर कर लें, लेकिन कोई भी नहीं मानता। तो लास्टली नैनी यही डिसाइड करती हैं कि वो बच्चों को अपने साथ लेके मैक्सिको जाएंगी। और कुछ ही देर बाद नैनी के एक नेफ्यू होते हैं, सैंटियागो उनका नाम होता है, वो कार से आते हैं और नैनी को और उन बच्चों को अपने साथ लेकर बाय रोड ही मैक्सिको चले जाते हैं। इधर मोरेको के डिज़र्ट में जो सीन दिखाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे यूएस के टूरिस्ट वेकेशन कर रहे हैं एक जगह पे, उनमें से उन बच्चों, माइक और डेबी के पेरेंट्स रिचर्ड और सूजन भी वेकेशन कर रहे हैं, और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो अपने वेकेशन पे इंजॉय करने नहीं आए हैं, लेकिन अपने पास्ट की लाइफ में उनके कोई इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में लव तो है लेकिन बहुत सारा स्ट्रेन भी है, और स्ट्रेन को भूलने के लिए आए हैं। और ये सारे के सारे टूरिस्ट, रिचर्ड और सूजन भी, टूरिस्ट बस में कहीं जा रहे होते हैं, सूजन की आंख लग जाती है, वो सो जाती है, और तब अचानक से गोली चलती है और वो सूजन के कंधे पे आके लग जाती है। यस फ्रेंड्स, ये वही गोली थी जो फिल्म के स्टार्टिंग में वो दोनों भाई हसन और यूसुफ जो खेल खेल में निशाना लगा रहे थे उनसे चल गई। तो ये गोली एक्चुअली सूजन को लग जाती है। उसी बस में वहाँ के एक लोकल टूरिस्ट गाइड जिनका नाम अनवर रहता है, उनसे पता लगता है कि यहाँ आसपास कोई भी मेडिकल एड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सूजन को अचानक से गोली लग गई थी, सारी बस में अफरा तफरी मच जाती है और सारे के सारे जो उनके फेलो टूरिस्ट होते हैं सब लोग डर जाते हैं। अनवर उन्हें सजेस्ट करते हैं, रिचर्ड को, कि सबसे आसान तरीका ये है कि वो सूजन को लेकर अनवर के गाँव जाएँ, क्योंकि वहाँ से वो फ़ोन कर सकते हैं किसी को या फिर हेल्प के लिए किसी को बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पास में जो जाने का रास्ता था, सबसे इजीली अवेलेबल उनके गांव ही था। ओके, अब इसके बाद एक दूसरी लड़की की स्टोरी भी बीच में हमें दिखाई जाती है, जो कि जापान की रहती है और वो टीनेज लड़की रहती है, वो डेफ म्यूट लड़की रहती है यानी कि बोल नहीं पाती है, और उसकी मदर की भी डेथ हो गई होती है। उसके फादर उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक टीनेजर रहती है तो उसके पर्सनैलिटी में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, पता नहीं क्यों वो फ्रस्ट्रेटेड रहती है, क्योंकि उसकी मदर नहीं रहती, वो बोल नहीं पाती, तो इन सब बातों से वो फ्रस्ट्रेटेड रहती है, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि उसकी फ्रस्ट्रेशन का रीज़न क्या है। उस लड़की की एक फ्रेंड उसको बात बात में बोल देती है, क्योंकि वो वर्जिन है इसलिए वो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहती है, और ये बात उसके मन में घर कर जाती है, क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो वर्जिन है इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। बस अब वो लड़की क्या करने लगती है, हर लड़के को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाती है वहाँ कोई लड़का उसको दिखता है, यहाँ तक कि वो एक लड़की एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाती है अपने दांतों को दिखाने, और वहाँ डेंटिस्ट को भी सेड्यूस करने की कोशिश करती है। ठीक है, और मोरेको के जो डेजर्ट में दोनों भाइयों से गोली चल गई थी, वो जाके अपने घर में छुप जाते हैं, और उन्हें अपने फादर से उसी शाम को ये पता लगता है कि क्योंकि एक टेररिस्ट ने एक अमेरिकन टूरिस्ट को गोली मार दी थी, तो पुलिस उस गोली चलाने वाले कल्प्रिट को सर्च कर रही है। अब उन दोनों भाइयों की हालत पूरी तरह से ख़राब रहती है, और इधर जो मैक्सिकन नैनी अमेलिया रहती हैं वो क्या करती हैं कि वो दोनों बच्चों को लेके अपने घर मैक्सिको पहुंच चुकी हैं, अपने बेटे की शादी में वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी में भी आ पाई और वो बच्चों को भी साथ ला पाई, तो बच्चों को उन्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ना पड़ा। नैनी बहुत खुश है, बच्चे भी बहुत खुश हैं, यहाँ वो नैनी के घर में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, नैनी उनका बहुत ध्यान रखती हैं, और बच्चों की खुशी का मेन रीज़न ये है क्योंकि नैनी इतने बड़े ओकेजन में भी आई हैं अपने बेटे की शादी में, तो भी वो बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं, उन्हें भूलती नहीं है, उनका हर बात, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि नैनी उन बच्चों से बहुत बहुत प्यार करती है।
तो इसलिए बच्चे उनके साथ हमेशा खुश रहते हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स रिचर्ड और सुजन, जो कि मोरक्को के डेजर्ट में अनवर के गांव आ चुके हैं, टूरिस्ट गाइड जो है उनके गांव आ चुके हैं, वहां का एक सीन हम देखते हैं कि उनके जो बस में जो ज़्यादातर फेलो टूरिस्ट थे, उनको अनवर के गांव आने के बाद वहां से निकलने की बहुत जल्दी रहती है। उनको कोई सिंपैथी नहीं रहती कि उनके एक फेलो टूरिस्ट को गोली लग चुकी है, उसकी जान बचेगी या नहीं ये भी श्योर नहीं है, और वो लोग इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ वहाँ से भागना चाहते हैं। बहाना तो ये बनाते हैं कि उन्हें अपनी जान का डर लग रहा है, और बहुत सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन रियल में हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं रहती। और वहीं पे अनवर, जो कि एक टूरिस्ट गाइड था, एक पूर आदमी था मोरक्को का, उसमें और उसके फैमिली में बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी रहती है। वो अपने घर में सिर्फ रिचर्ड और सूजन को रखता नहीं है, उनकी हर तरह से हेल्प करता है। रिचर्ड को हर जगह कॉल करने में हेल्प करता है, यहाँ तक कि उसके गाँव में एक ही लोकल डॉक्टर थे, वो वेटरनरी के डॉक्टर थे, और मतलब जानवर के डॉक्टर थे, लेकिन वही अकेले डॉक्टर थे, तो उन्हें बुला के लाता है, और वो डॉक्टर सूजन को बोल सूचर्स लगाता है जहाँ पे उसे गोली लगी थी, यानी कि उसे टांके लगाता है, और ये टांके वो होश में लगाता है। और ये सीन बहुत ही पेनफुल है, अगर आप लोग सच में हार्ड हार्टेड हैं थोड़े भी तभी ये सीन देखना, अगर आप लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं तो ये सीन को स्किप कर जाना, क्योंकि बहुत पेनफुल सीन दिखाते हैं। और हमें फिर रिचर्ड और सूजन की बातों से ये भी पता लगता है कि उनके एक इन्फेंट बच्चे की, एक इन्फेंट बेटे की डेथ हो गई थी, और उसी वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेन आ गया था। और ये भी दिखाया जाता है उसी गांव में कि बाकी के जो टूरिस्ट थे, रिचर्ड और सूजन को इसी हालत में छोड़कर, उस गाँव में छोड़कर वहाँ से बस लेकर चले जाते हैं, और वो लोग वहाँ पर बिना किसी सहारे के बच जाते हैं। और इधर जो मोरक्को के डिजर्ट में है, पुलिस कल्प्रेट को सर्च ही कर रही है, वो क्लू जोड़ते जोड़ते उस आदमी इब्राहिम तक पहुंच जाती है जिसने उन दोनों लड़कों के फादर को गन बेची थी। और इब्राहिम से उन्हें यह पता लगता है कि ये जो राइफल थी, ये इब्राहिम को कुछ साल पहले वहाँ एक जापानीज आदमी जो टूर करने आया था, उसने इब्राहिम को एज अ थैंक्स गिफ्ट दिया था, यानी कि ये राइफल इलीगल नहीं थी। और ये भी पता लगता है कि इब्राहिम ने एक दिन पहले ही वो जो राइफल है उन दोनों लड़कों के फादर को दी थी। अब पुलिस उन दोनों लड़कों के घर तक जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ही वो दोनों लड़के जो होते हैं पुलिस को देख लेते हैं, और घर आके अपने फादर को सब कुछ बता देते हैं। फादर बहुत डर जाते हैं और अपने दोनों बेटों राइफल को लेकर घर से कहीं दूर जा रहे होते हैं, ताकि वो पुलिस को स्केप कर सके, उनसे बच सके। लेकिन पुलिस उन दोनों लड़कों को उनके फादर के साथ रास्ते में ही देख लेती है, और वहाँ उनके बीच इनकाउंटर होता है। इस इनकाउंटर में जो बड़ा लड़का हसन होता है, उसकी डेथ हो जाती है, और अपने भाई की डेथ को देखकर जो यूसुफ होता है वो सरेंडर कर देता है, और वो बोल देता है कि गोली मैंने चलाई थी। अभी तक क्या होता है कि अमेरिकन टूरिस्ट पे गोली चलने की जो न्यूज़ है, सूजन पे गोली चलने की न्यूज़ है, पूरी दुनिया में पहुँच फैल चुकी है। US में, जापान में, मैक्सिको में भी फैली होगी, लेकिन मैक्सिको में तो नैनी को फुर्सत ही नहीं है कि वो कुछ न्यूज़ देख सकें। बच्चे और नैनी पूरा नैनी के बेटे की वेडिंग को एंजॉय करने में इतना खोए हुए हैं कि उन्हें किसी चीज़ की फुर्सत ही नहीं है। इधर जापान में क्या होता है, वो लड़की जो जापनीज म्यूटेंट डेफ लड़की होती है, वो हर किसी मैन पे और बॉयज़ पे फ्लैट होना और उन्हें सेड्यूस करना कंटिन्यू रखती है। इसी बीच उनके घर दो कॉप्स आते हैं, और लड़की उनमें से एक कॉप पे फ्लैट हो जाती है। अभी उसके फादर घर में नहीं है, तो वो लड़की उस कॉप को कॉल करके अपने घर बुलाती है, और उस कॉप से उसे बात बात में ये पता लगता है, क्योंकि अमेरिका, एक अमेरिकन टूरिस्ट पे मोरक्को में गोली चली है, इसलिए उसके फादर से पुलिस कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहती है, क्योंकि जिस राइफल से गोली चली है वो उनके नाम पे रजिस्टर्ड। लड़की उस कॉप को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉप में भी बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है। ना तो वो उस लड़की पे गुस्सा करता है, और ना उस लड़की का एडवांटेज लेता है, बल्कि वो उस लड़की को कंसोल करता है। और एक लाइन वो बोलता है उसमें, वो जो बोलता है कि इट वॉज़ नॉट योर फॉल्ट, यू आर जस्ट ए यंग गर्ल। हमें पता लगता है कि कॉप में कितनी ह्यूमैनिटी है, कि ना तो वो उस लड़की का उस सिचुएशन में फ़ायदा उठा रहा है, और ना उसको ब्लेम कर रहा है, बल्कि वो समझ रहा है कि किसी ना किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है, ये बहुत यंग है, इसे पता नहीं सही या गलत क्या है। तो वो अपना एज अ मैन अपना जो ड्यूटी पूरा करता है, उसे कंसोल करने का, उसे समझाने का, और लड़की समझ जाती है। जब कॉप जा रहा होता है तो एंट्रेंस पे उस लड़की के फादर उस कॉप को मिलते हैं, और वो उसे अमेरिकन टूरिस्ट पे हमला होने वाली बात बताता है। तो लड़की के फादर बताते हैं कि हाँ, मैं ही कुछ साल पहले मोरक्को में वेकेशन पे गया था, और मैंने अपनी टूरिस्ट गाइड मिस्टर इब्राहिम को ये राइफल एज अ थैंक्स गिफ्ट किया।
इधर मैक्सिको में नानी अपने बेटे की शादी को एंजॉय करके जब वापस लौट रही होती है अपने उसी नेफ्यू सैंटियागो और दोनों बच्चों के साथ, तो जो नेफ्यू रहता है नानी का वो बॉर्डर पे पुलिस के साथ थोड़ा उन्हें प्रोवोक करता है और उनके साथ थोड़ा झगड़ा कर लेता है और गाड़ी लेके भाग जाता है जंगल की तरफ। भाग के वो क्या करता है, नानी को और उन बच्चों को गाड़ी से उतार देता है और फिर खुद कहीं भाग जाता है। अब रात भर नानी दोनों बच्चों को जंगल में लेकर भटकती रहती हैं और सुबह अरेस्ट भी हो जाती हैं और दोनों बच्चे माइक और डेबी भी उस जंगल में खो जाते हैं। अब जबकि सबकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे पीक पे आ गई हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे तीसरे पार्ट में इन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यूएस मैक्सिकन बॉर्डर की जिस पुलिस ने जिस नैनी को पकड़ा था उनके और नैनी के बीच की बात से हमें ये पता लगता है कि जो नैनी है मैक्सिको से बिना प्रॉपर परमिशन बिना प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ किए यूएस में इलीगल तरीके से रह के काम कर रही होती हैं और इसलिए ये डिसीजन दिया जाता है कि उन्हें वापस मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये भी पता लगता है कि वहाँ की पुलिस उन बच्चों को ढूंढ चुकी है, उनके फादर से मोरक्को में कॉन्टैक्ट कर चुकी है। फादर इतने बड़े इंसिडेंट्स के बाद भी नैनी के अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं लगाना चाहते, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि रिचर्ड और सूजन तक एयर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है जो कि सूजन को लेके एक अच्छे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जाने से पहले जब हेलीकॉप्टर आ जाता है उसके बाद रिचर्ड उस टूरिस्ट गाइड अनवर को थैंक्स कहते हैं और अपना वैलेट निकाल के कुछ पैसे देना चाहते हैं एज अ थैंक्स जेस्चर, लेकिन टूरिस्ट गाइड वो पैसे नहीं लेता है। और उस टाइम जो रिचर्ड का एक्सप्रेशन रहता है वो ये दिखाता है कि कितना वो ह्यूमैनिटी अनवर ने उनके साथ दिखाई और उसके साथ बाद वो एज अ थैंक्स जेस्चर भी नहीं ले रहे हैं। रिचर्ड और सूजन अच्छे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ की सूजन का ट्रीटमेंट होता है और कुछ दिनों बाद हम ये भी देखते हैं कि सूजन को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और लास्ट सीन में हम लोग ये भी देखते हैं कि वो जो जापानीज लड़की है जब उसके फादर घर आते हैं तो वो उनको हग करते हैं, अपनी बेटी को हग करते हैं और उन दोनों का एक इमोशनल सीन दिखाया गया है फादर डॉटर लव का। और हम इस बाद एक लास्ट सीन में ये भी देखते हैं कि वो फ़ोन कॉल जो सेकंड सीन में मूवी के दिखाया गया था रिचर्ड उस नैनी को करते हैं और फिर से ये वो बात बताई जाती है कि नैनी कल जा सकती है, बच्चों को देखने के लिए कोई ना कोई अरेंज हो जाएगा और नैनी रिचर्ड को थैंक्स करती है उनके अगेंस्ट चार्ज नहीं लगाने के लिए। तो, और फ्रेंड्स इस मूवी में ब्रैड पिट या केट ब्लैंचेट या इसमें जितने भी एक्टर्स हैं सबने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और ये मूवी 2006 में आई थी मैंने आपको बताया और इसके दो साल बाद 2008 में ब्रैड पिट और केट ब्लैंचेट के साथ में एक और मूवी आई थी और वो मूवी बहुत हिट थी, बहुत यूनिक ही उसकी लाइन स्टोरी लाइन थी और बहुत ब्यूटीफुल थी इसी मूवी की तरह, लेकिन इस मूवी से अलग उसकी कहानी थी। तो अगर आप लोग जानते हैं कि वो मूवी कौन सी है ब्रैड पिट और केट ब्लैंचेट के साथ में तो आप कमेंट करके बताइए और मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में क्या आप लोग उसकी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को ये मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इस मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कौन सी मूवी की स्टोरी देखना चाहते हैं या आपने कौन से फेवरेट हॉलीवुड एक्टर की सारी हिंदी डब्ड मूवीज़ के बारे में या किसी भी मूवी के बारे में जानना चाहते हैं, उस मूवी की स्टोरी लाइन हो या स्टार कास्ट हो या कोई भी और बात जो आप हॉलीवुड से रिलेटेड जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख सकें।